देखो रेल मैंने भी देखी है, आप लोगों ने भी देखी है, हम लोगों ने सफर भी कर रखा है, मैंने सब कुछ मान लिया, लेकिन रेल को हिंदी में क्या कहते हैं क्या पता है? जिनको भी पता है कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ, और जिनको नहीं पता ना एक बार कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर रीड करना, वीडियो देखो या ना देखो लेकिन ये पता करके जरूर जाना कि रेल को हिंदी में क्या कहते हैं। पहली दूसरी क्लास में सिखाया जाता है, वैसे इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूँ। देखो आज इस वीडियो में हम एक बहुत ही जबरदस्त रेल सिम्युलेटर गेम को खेलने वाले हैं, जिसकी क्वालिटी है इसके ग्राफिक्स, बहुत ही हाई क्वालिटी के ग्राफिक्स मिलते हैं, स्मूथ ग्राफिक्स है, 60 FPS पर इसका गेम प्ले चलता है, और खेलते समय तो इतना ज्यादा मजा आता है कि पूछो मत। वैसे आप इसे गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल कराओगे तो आप लोगों को 90 रुपए देने पड़ते हैं, और गेम का साइज है 270 MB। लेकिन आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को यह ट्रिक भी बताऊंगा कि आप इसे कैसे फ्री में इंस्टॉल करा सकते हो, आपको एक भी पैसा देने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। तो ज्यादा पकाता नहीं हूं, डायरेक्ट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हे गाइस, व्हाट्स अप, इट्स मी अजय, यू वाचिंग गेमिंग भाई जी, और आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो आज इस वीडियो में हम जिस ट्रेन सिमुलेटर गेम को खेलने वाले हैं उसका नाम है ट्रेन सिमुलेटर प्रो 2018। यदि आप इसे गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल कराओगे तो 90 रुपए पहले ही दे देना, और यदि फ्री में इंस्टॉल कराना चाहते हो तो 90 रुपए मेरे को दे देना। मजाक कर रहा हूं यार, मैं वैसे ही आप लोगों को बता देता हूं, डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को एक लिंक मिल जाएगा जहां से आप इस गेम को इंस्टॉल करा सकते हो। प्रॉब्लम बस इतनी सी है, आप लोगों को एप्लीकेशन और OBB फाइल्स को अलग अलग इंस्टॉल कराना पड़ेगा। अब इन दोनों को आप कैसे स्टार्ट कर सकते हो कंबाइन करके, वो आप YouTube पर वीडियो में देख लेना, पूरा डिटेल मैं नहीं बताने वाला हूं। तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेना, नीचे इंस्टाग्राम हैंडल दिखाई दे रहा है वहां पर फॉलो कर लेना, वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, कर लेना इन पसीनों की कसम। तो अभी ज्यादा समय वेस्ट नहीं करते हैं, डायरेक्ट गेम पर चलते हैं और गेम को खेलते हैं। तो भाई अपनी ट्रेन है जिसे आज हम लोगों को ड्राइव करना है। बैकग्राउंड में देखो बहुत सारे व्हीकल आप लोगों को चलते हुए दिखाई दे रहे होंगे, लेफ्ट और राइट दोनों जगह पे। पीछे ब्लू आसमान है, उसमें बादल छाए हुए हैं, हॉर्न बजा दिया है, ट्रेन ने चलने के लिए तैयार है, इंजन से भी धुआं निकलना स्टार्ट हो गया है। अभी आप सबसे पहले ग्राफिक्स देखो गेम के, कितने लाजवाब ग्राफिक्स हैं। और यहाँ पर ये ट्रेन है, छोटी सी ट्रेन है, 3 डिब्बे हैं, 1 इंजन है, और बहुत ही मस्त गेम है। गेम प्ले बिल्कुल स्मूथ चल रहा है, लिक्विड फ्लो, और आप लोगों को आमतौर पर एंड्रॉइड के लिए ऐसे गेम्स देखने को नहीं मिलते हैं। और ये है लोको पायलट बैठता है जहाँ पर, वहाँ का व्यू इंजन के फ्रंट का, जहाँ से आप पूरा इंजन देख सकते हो, बाहर झांकी की तरफ भी देख सकते हो और सामने से भी ट्रैक को देख सकते हो। अब ये क्या है मेरे को नहीं पता, ये रेलवे स्टेशन तो नहीं लग रहा मेरे को, कोई होगा मुझे नहीं पता। यहाँ पर स्पीड कम करनी है हमें, 30 की स्पीड पर लेना, अपनी चल रही है 32 के आसपास, लेकिन हम नहीं करेंगे, हम ऐसे ही चलेंगे, थोड़ा सा बढ़ा के चलते हैं, कम नहीं करना चाहिए। अब आगे जाके जो स्पीड लिमिट आएगी वो आएगी 100 किलोमीटर पर घंटा। अब सिम्युलेटर गेम्स में होता क्या है, हमें जस्ट स्पीड पर ही कंट्रोल करना पड़ता है, बाकी अपने हाथ में कुछ नहीं होता। ट्रेन के रूट फिक्स होते हैं, हमें जस्ट जो स्पीड होती है उसको लिमिट के अंदर मेंटेन करना होता है, और वही काम मैं नहीं कर रहा हूँ। क्या ये सवाल से स्पीड लिमिट एक्सटीड जो भी होता है, तो हम नहीं करने वाले हैं भाई। तो अभी हम बढ़ा देंगे स्पीड को एकदम से, क्योंकि अभी स्पीड लिमिट हो जाएगी 100, और अभी बस 19 मीटर मतलब इनका कहने का है, लेकिन हो गई है तो हम इसे बढ़ा देते हैं। और श्याम भी हो गई है भाई, थोड़ा सा अंधेरा सा हुआ, मेरे ख्याल से श्याम ही हुई होगी। ट्रेन देखो कितनी ज़बरदस्त लग रही है, छोटी सी है, जैसे पहाड़ी इलाकों में चलती है। पीछे आप लोगों को बड़ी बड़ी मार्च भी दिखाई दे रही होंगी, वो रेलवे स्टेशन ही था क्योंकि यहाँ पर एक है। यहाँ पर आप लोगों को बहुत सारे ट्रैक भी दिखाई दे रहे हैं, लेफ्ट राइट, नहीं क्या बोलूँ मैं, मेरे तो मतलब लेफ्ट है, यदि गेम के अकॉर्डिंग देखे तो राइट है, समझ लेना चाहिए आपसे। रात हो चुकी है तो मैंने लाइट भी ऑन कर ली है, अभी ये काम आ गया छोटा सा। सिग्नल ग्रीन है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, और ये अंदर से मैं फिर आप लोगों को दिखाता हूँ। यहाँ पर सारा कंट्रोल करने का सिस्टम आप लोगों ने देख लिया है, और ये साइड विंडो होती है जो उसका नज़ारा है, काफ़ी ज़बरदस्त है। अभी करीब करीब 600 मीटर चल के स्पीड लिमिट हो जाएगी 45, शायद कोई मोड़ आएगा या फिर और कुछ आएगा, इसी वजह से होती है। लेकिन मेरे को लग रहा है सामने कोई पुल है, तो पुल है इसकी वजह से लिमिट हमें थोड़ी सी कम करनी पड़ेगी। लेकिन ये क्या आ गया, पता नहीं क्या था ये, इसके पैक लेते हैं। तो भाई रात हो चुकी है और हम अपने पैसेंजर को लेकर निकले हैं मंजिल की तरह। स्पीड लिमिट अभी 45 होने वाली है, ब्रेक मैं अप्लाई करूंगा नहीं क्योंकि इससे इंजन डैमेज का खतरा रहता है, ब्रेक डैमेज का खतरा रहता है। तो हम चलते हैं, इंजन देखो वैसे ही अपना थोड़ा बहुत रेड हो चुका है, और पानी का टेक्सचर देखो कितना गजब का है भाई साहब, इतना गजब का टेक्सचर दिखाई दे रहा है, पूछो मत, मज़ा ही आ गया ऐसा टेक्सचर देख कर। तो मैं क्या बताऊँ आप लोगों को, जिस भी गेम के पीछे प्रो लगा हो और वो पेड गेम होना काफ़ी ज़बरदस्त होता है, फिर चाहे वो ट्रक का हो, बस का हो, ट्रेन का हो, एरोप्लेन का हो, किसी भी चीज़ का हो,
काफ़ी ज़बरदस्त गेम प्ले आप लोगों को उसका देखने को मिलता है, और स्पेशली ये गेम होते भी पेड ही है, लेकिन मैंने आप लोगों को लिंक प्रोवाइड कर रखा है, आप जाओ उसे डाउनलोड करो और पता लगाओ कि आप अलग से OBB किस प्रकार कर सकते हो। बाकी एंड्रॉयड में जाओगे तो एंड्रॉयड नाम का फोल्डर होता है ना, जो एंड्रॉयड फाइल मैनेजर में, उसके अंदर OBB नाम का आप लोगों को एक ऑप्शन मिलता है, उसमें होता है ये, कर लेना आपको से हो जाएगा आसानी से। तो भाई ये साइड में कुछ झील टाइप का है और यहाँ पे बिल्डिंग्स भी बनी हुई है बीच में, एक बार मैंने देखा था अभी, ये देखो कितनी मतलब गजब का व्यू यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल रहा है यार। और इतना कुछ देखने के बाद भी यदि आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना अब तक, तो भाई आपका कुछ कसम से। अभी दूसरी ट्रेन गई, बैलगाड़ी थी लेकिन इतनी बड़ी नहीं थी, इसकी पता नहीं कब आ जाती है। ये फैक्ट्री है जिसकी मैं बात कर रहा था, और बैकग्राउंड में आप लोगों को पहाड़ दिखाई दे रहे हैं, बालू के टीले। केयरफुली एक्सिस मीटर, अच्छा परमानेंट डैमेज हो सकता है यदि हम लिमिट को ज़्यादा करेंगे तो, लेकिन अभी लिमिट तो बढ़ चुकी है ना, 100 के आसपास चल रही है, लेकिन आगे जाके 45 की आएगी क्योंकि आगे मोड़ है और हमें मोड़ पर स्पीड कम करनी पड़ती है। और अपनी है 73 किलोमीटर, अभी मैं यहाँ पर डायरेक्ट स्पीड मारूँगा तो हो जाएगा डैमेज, तो ऐसे ही मोड़ देते हैं, बाकी डिब्बे देखो कैसे हिलने लग गए हैं जैसे गिरेंगे, लेकिन कोई दिक्कत नहीं हुई, हम आसानी से यहाँ से निकल गए हैं। और डोंट वेरी, आपका भाई प्रो ड्राइविंग कर रहा है तो आप लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। वाओ, व्हाट ए वॉइस ऑफ साउंड, मतलब साउंड ऑफ फोन कुछ भी बोलता हूँ मैं भी। भाई सामने अभी बिल्कुल ही खाली ट्रैक है और ये धुआं फिर से ट्रेन ने छोड़ा क्योंकि मैंने स्पीड बढ़ा दिया ट्रेन की, फिर से जैसे जैसे स्पीड बढ़ाता हूँ वैसे वैसे धुआं ज़्यादा निकलने लग जाता है। बिल्कुल दुकान जगह से निकल रहे हैं, भीड़ से निकल रहे हैं, यहाँ पे डाकू वाकू भी आ सकते हैं, लेकिन USA है ये, USA में भी डाकू तो होते ही होंगे, उनसे अपनी इंडिया इंडिया भी होते हैं। और ये अंदर का व्यू फिर से मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, साइड विंडो से, ये बैक साइड से, और अंदर का तो आप लोग देख ही चुके हो, काफ़ी गजब। अरे बारिश आ गई भाई, गेम के अंदर बारिश आ गई, हम ट्रेन चला रहे थे बारिश आ गई, अभी वाइपर ऑन करना पड़ेगा। तो अभी मैं आप लोगों को आउटसाइड व्यू दिखाता हूँ, वहाँ पर बहुत मज़ा आएगा देखेंगे। अरे ये श्रीदेवी की पुण्यतिथि, क्या हम कितना तो कराया आप लोगों से, अभी मैंने तो मेरी खून को अमरी जला भी चुन मोरी से दे रहा है भाई। ये देखो बारिश की बूंदें टपकना स्टार्ट हो गई हैं और ट्रेन अभी अपनी चल रही है 62 मील प्रति घंटा, USA का है ना तो वहाँ पर किलोमीटर नहीं मील के हिसाब से मापा जाता है, अब एक मील में कितने किलोमीटर होते हैं, लेकिन ट्रेन बहुत ही होन बजा बजा के चल रही है क्योंकि बारिश हो रही है। मैं ही जा रहा हूँ, बाकी ड्राइवर को पूछा सकता है बारे में, आसपास कोई स्थिति नहीं है फिलहाल तो ऐसे। ओ दूसरी गाड़ी गई भाई साइड से, अभी डैमेज देखो, इंजन डैमेज काफ़ी ज़्यादा दिखा रहा है नीचे, ये इंजन डैमेज का ग्राफ है, पता नहीं क्यों दिखा रहा है, स्पीड तो मेरी ठीक है एक्सेप्ट, लेकिन फिर भी ये क्यों दिखा रहा है। ओ आगे स्पीड लिमिट 45 होने वाली है तो मेरे को थोड़ी सी स्पीड लिमिट कम करनी पड़ेगी, और यदि मेरा इंजन डैमेज हो जाता है तो गाड़ी अपनी वहीं पर रुक जाएगी, और रुक गई तो फिर ये चलेगी नहीं, इसको रिपेयर कराना पड़ेगा इंजन को। अब गाड़ी से मतलब ट्रेन के इंजन को कैसे रिपेयर कराते हैं, कौन करने आता है मेरे को नहीं पता क्योंकि मैंने कभी खेला नहीं है। स्पीड लिमिट एक्सीड, मतलब ज़्यादा स्पीड हो गई है, ओए होए ये तो एकदम से नीचे की तरफ जा रहे हैं, यहाँ पे तो ऑटोमेटिक स्पीड बढ़ जाएगी भाई यदि मैं इंजन बंद भी कर दूँ तो, क्लच दबा लूँ, लेकिन क्लच होती होगी। ये देखो लेफ्ट हैंड साइड एक दूसरी ट्रेन जा रही है 4, अरे यू हैव स्टॉप द परफॉर्मेंस, गई लुटिया, डूब गई भैंस पानी में अपनी, क्योंकि अपना हो गया इंजन डैमेज। तो कोई नहीं, हम फिर से खेलेंगे इसे, यहीं पर रोक देते हैं आज के लिए, लेकिन खेलेंगे आगे जरूर क्योंकि ये गेम मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा है, स्पेशली इसके ग्राफिक्स। तो भाई मज़ा आया, आई होप आप लोगों को भी वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, और काफ़ी दिनों के बाद मैं भी बेहतर फील कर रहा हूँ, आप लोगों को पता नहीं हो तो मेरे को टाइम टाइम हो गया लेकिन अभी ये सब कुछ। तो वीडियो ख़त्म करते हैं, अच्छी लगी है लाइक कर देना, अच्छी लगी तो डिसलाइक कर देना, कोई सजेशन को क्यूरी है तो कमेंट सेक्शन में लिख के बताना, लेकिन जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर देना। तो कल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।